जो कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे। काफी दिन से विद्यालय बंद है और आपसे हम जो है इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलना चाह रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि विकास क्षेत्र की उप शिक्षा अधिकारी श्रीमती गीतिका जोशी की मार्ग दर्शन में विकास क्षेत्र का यूट्यूब चैनल बच्चों की शैक्षिक क्षति को पूर्ति करने के लिए बनाया गया है कि आप सभी लोग अपने शिक्षकों के द्वारा बनाए गए वीडियोज का लाभ अपने जो है शिक्षा के लिए आगे लेते रहेंगे। निश्चित रूप से बच्चों, आप सभी अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों के माध्यम से जो इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से हमारे विकास क्षेत्र के शिक्षकों के द्वारा जो वीडियो बनाए गए उनसे आप निश्चित रूप से कुछ सीखेंगे। जब एक्शन आज मैं एक प्रयास के अंतर्गत सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत भोजन और स्वास्थ्य से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चंस शेयर करना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए बच्चों। पहला क्वेश्चन है, भोजन के कितने तत्व हैं? भोजन के कितने तत्व हैं? उत्तर, भोजन के पांच तत्व हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल। अपने दैनिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए हम भोजन करते हैं और जिससे कि हमें अपनी जो है दैनिक गतिविधियों को चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या दो, प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं? तो बच्चों, आपको पता है कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जो है मांसपेशी या जो भी हमारे शरीर की बोन्स हैं उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो है अंडा, और अंडे का भी जो अंदर पीले वाला भाग होता है वो है, और सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहां तक कि 100 ग्राम अगर हम प्रोटीन का यूज करते हैं तो हमें 50 ग्राम जो है प्रोटीन मिलता है सोयाबीन से। तो सोयाबीन जो है सबसे बड़ा स्रोत, अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन जिसमें मिलती है। और उसके बाद जैसे मूंग की दाल है और जो अंकुरित दालें होती है उसमें भी हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो अंडा और सोयाबीन, दालें, और ये हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, बोन्स हैं, उसके लिए जो है जरूरी है। प्रश्न संख्या तीन, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों जानते हो आप विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन का हमारे शरीर में बहुत बड़ा महत्व है। रोगों से जो हमें लड़ने की क्षमता मिलती है विटामिन से मिलती है। तो आप लोग, हम बताएंगे आपको, विटामिन जो है 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इस प्रकार से जो है विटामिन जो है 6 प्रकार के पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में। और इन विटामिन्स का हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रश्न संख्या चार, विटामिन डी के मुख्य स्रोत। विटामिन डी जो है उसका मुख्य स्रोत कौन से खाद्य पदार्थ है, या विटामिन डी हमें किस स्रोत से प्राप्त होता है? जानते हैं आप बच्चों, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमें प्रकृति से मिलता है निःशुल्क, बिना किसी कीमत के, और सबको बराबर मात्रा में मिलता है सूर्य के प्रकाश से। और आपने सुना भी होगा कि विटामिन डी के लिए जो है जब सूरज उगता है उस समय में धूप का जो है सेवन जो जरूर करना चाहिए। और अभी आपने देखा होगा कोविड के दौरान भी ये देखने में मिला है कि जो कोविड के पेशेंट थे उनको के लिए कहा गया कि आप जो है जरूर जो है 1-2 घंटे जो धूप में बैठे विटामिन डी लेने के लिए। और उसके बाद जो विटामिन डी अन्य भोज्य पदार्थों से भी हमें प्राप्त होता है, जैसे मशरूम है और अंडा है और जो और भी अन्य भोजन जैसे दूध है, तो इसमें भी जो विटामिन डी
विटामिन डी हमारे शरीर के लिए जो बहुत ही आवश्यक है, तो विटामिन डी के सेवन करने के लिए निश्चित रूप से आप लोग जो है जरूर जो है सन बात जो है करिए, धूप जरूर दीजिए। बच्चों प्रश्न संख्या 5, विटामिन की खोज किसने की? अभी हम विटामिन की बात कर रहे थे, तो विटामिन की खोज किसने की? तो उत्तर है इसका, विटामिन की खोज के फंक, ये जो पोलैंड के रासायनिक वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है 1912 में जो है विटामिन की खोज की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? सुना प्रश्न, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों जो विटामिन हमने बताया क्या कुछ है प्रकार से, तो उसमें विटामिन था के, तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से एक रोग होता है जिसको उसमें जो है रक्त की जो क्लॉटिंग होती है वो नहीं बनती है। जैसे कोई हिस्सा हमारा कोई शरीर का भाग कट जाए तो उसमें जो है रक्त का जो जमना जरूरी होता है, अगर रक्त का वहां पर क्लॉटिंग नहीं होगा, रक्त जमेगा नहीं, तो निरंतर जो है ब्लड बहता रहेगा, तो इसलिए जो है विटामिन के जो है रक्त की जो है क्लॉटिंग होती है उसमें जो है विटामिन के की कमी से जो रक्त की क्लॉटिंग नहीं होती, तो विटामिन अगर के हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में होगा तो रक्त की क्लॉटिंग हो जाएगी, तो खून जैसे कभी कोई शरीर का पार्ट कट जाता है तो वहां पर खून जम जाता है। प्रश्न संख्या 7, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? ठीक है, सुनिए आपने प्रश्न, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? बच्चों भी हमने आपको विटामिन के बारे में बताया था कि विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, तो हर विटामिन की कमी से कुछ ना कुछ रोग हमारे शरीर में जो उत्पन्न हो जाते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से रेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्टाइल, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना, ठीक है, और विटामिन के की कमी से रक्त की क्लॉटिंग न होना। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, कौन कौन से खनिज लवण हमारे लिए आवश्यक है? सुना प्रश्न, कौन कौन से खनिज लवण हमारे लिए आवश्यक है? हमारे भोज्य पदार्थों में डिफरेंट टाइप के भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, ये मुख्य खनिज लवण है, और हाँ एक और भी खनिज लवण है लोहा, आयरन भी हम जिसको बोलते हैं, और आपने देखा बच्चों कि आपको स्कूल में भी जो है आयरन की जो टैबलेट जो दी जाती है, आयरन की कमी से जो है खून की जो है शरीर में कमी हो जाती है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि आपके स्कूलों में भी जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है आयरन की गोलियां जो है दी जाती है, तो ये हमारे मुख्य खनिज है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। प्रश्न संख्या 9, खनिज लवण के मुख्य स्रोत क्या है? कहाँ से मिलता है खनिज लवण? अभी हम बात कर रहे थे खनिज लवण हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है, तो 9वां क्वेश्चन है कि खनिज लवण के मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो बच्चों जो है खनिज लवण जो है मुख्य रूप से मांस, अंडा, सब्जी और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें जो है खनिज लवण जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारी जो हमारी सब्जियां हैं, जैसे आपने सुना होगा पालक है, उसमें बहुत सारी मात्रा में जो लोहा पाया जाता है, ऐसी कई सब्जियां उसमें जो है हमारे लिए खनिज लवण जो है मिलते हैं। तो जो अंडा, मांस, ड्राई फ्रूट और सब्जियां, ये जो हमारे जो है भोजन में अगर मिलते हैं तो हमारे को जो है खनिज लवण की प्रचुर मात्रा जो शरीर के लिए प्राप्त होती है। बच्चों आज के एक प्रयास का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, विटामिन सी के मुख्य स्रोत, आपने अभी देखा होगा कोविड की जो बीमारी हुई थी तो उसमें जो विटामिन सी का बहुत सारा यूज हुआ,
डेली लोगों ने जो विटामिन सी को जो प्रचुर मात्रा में लिया, और ये डॉक्टर्स भी कहते थे कि विटामिन सी और विटामिन डी और खनिज लवण ये जो हमारी प्रश्नोत्तरी बनी थी इसी कोविड बीमारी को देख करके ही जो बनी थी कि बच्चे जो है विटामिन के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में मतलब जानकारी प्राप्त कर ले। मुख्य स्रोत विटामिन सी किन किन भोजन में पाया जाता, तो विटामिन सी सभी जितने भी खट्टी चीजें होती है जैसे सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, ठीक है ना, इन चीजों में अमरूद, ये चीजों में जो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता। और आपने देखा विटामिन सी का प्रयोग हमने इस दौरान खूब किया, नींबू की चाय, नींबू का पानी, और एक जो सबसे ज्यादा खनिज लवण का हमने यूज करा, आपने देखा डॉक्टर्स ने भी कहा था जिंक का प्रयोग बहुत ज्यादा करें, तो आपने देखो जिंक के लिए जो है लोगों ने जिंक की टैबलेट्स भी ली, और जो लोग जो है अंडे का यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स ने अंडों के लिए भी जो है कहा था, तो इस दौरान मार्केट में अंडे जो बहुत महंगे भी हो गए थे और लोगों ने रोज जो है अंडे का है जो अंडे का व्हाइट वाला पार्ट होता है उसमें जो जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और जो अंडे के अंदर पीला वाला भाग होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारे जो है शरीर के लिए इन भोजन के जो तत्व है इनका बहुत बड़ा महत्व है, ये हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर का डेवलपमेंट करने में आवश्यक होते हैं, इसलिए आप सबको जो है संतुलित भोजन एक बैलेंस डाइट का यूज करना चाहिए जिसमें कि भोजन के सारे तत्व जो है प्राप्त होते हैं। थैंक यू। और बच्चों आप जो इसको अपने जो है अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों को जो है उतारेंगे, जब भी विद्यालय खुलेंगे तो हम आपकी जो है अभ्यास पुस्तिका को देखेंगे, आपने कितना प्रयास करा, और इस वीडियोस को भी देखेंगे, और ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको अपने साथियों से भी, अपने गार्जियन से भी शेयर करने के लिए कहेंगे कि हमारे जो विकास क्षेत्र का यूट्यूब चैनल है इसमें जो है हमारे शिक्षकों के द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में देखिए। थैंक यू। और सब्सक्राइब भी जरूर करिए, हाँ ठीक है, सब बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। ओके ओके बच्चों, इस वीडियो के अंत में अब हम आपको चार अंग्रेजी की जो शब्द देंगे जो कि आप देख रहे होंगे एक प्रयास में हर जो है सामान्य ज्ञान के पश्चात आपको चार शब्द दिए जाते हैं, तो आज के जो है चार शब्द जो है हमारे अल्फाबेट डी से शुरू होने वाले हैं। तो नंबर एक डी ई सी ई आई वी ई, डिसी, डिसी माने धोखा देना, भ्रमित करना, धोखा देना या भ्रमित करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसाइड, डी ई सी आई डी ई, डिसाइड, डिसाइड माने निर्णय करना या फैसला करना, ठीक है, डिसाइड। नंबर अगला शब्द है तीसरा डिफीट, डी ई एफ ई ए टी, डिफीट, डिफीट माने हार या पराजय, ठीक है, डिफीट माने हार या पराजय, जैसे हम बोलते हैं तो मैच में हार गए वो मैच पराजित हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट जो चौथा हमारा शब्द है वह डेंजरस, डी ए एन जी ई आर ओ यू एस, डेंजरस, डेंजरस माने खतरनाक, भयावह, ठीक है। तो ये आज के जो है चार शब्द हैं, आप इन चार शब्दों को भी अपने नोटबुक में जो है लिखेंगे और इनकी जो स्पेलिंग है उसको याद करेंगे और इनकी अर्थ भी जो है आप याद करेंगे और अपनी जो एक प्रयास की पुस्तिका उसमें जरूर लिखेंगे और हमारे चैनल्स को जो है जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इसको जो है लाइक करेंगे और जो है कमेंट्स करेंगे कि आपको कैसा लगा, और इसमें जो है निश्चित रूप से अपने भाइयों को भी, अपने गार्जियंस को भी चैनल्स को देखने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये सबके लिए जो महत्वपूर्ण है, हर एक क्लास के लिए, हर एक कक्षा के बच्चे के लिए प्रयास कार्यक्रम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज की हम प्रश्नों को और अंग्रेजी जो है शब्दों के जो है बारे में बताते हैं। थैंक यू।